हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आज की जो विशेष चर्चा है वो बजट से रिलेटेड तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ साथ आज जिस तरीके से बाजार वोलेटाइल रहा उस पर सबकी जो है निगाहें रहने वाली है और सब लोग सोच रहे हैं यार ये वोलेटाइल कैसे हो गया, इतना वोलेटिलिटी कैसे हो गई। बट ऑप्शन बायर से पूछिए, आज ऑप्शंस बायर ने जो है आज माला माल हो गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी संयम रहा होगा, किधर भी सौदा लिया होगा, बढ़िया पैसे बने। एक बाजार के अंदर जहाँ पे निफ्टी तकरीबन 600 पॉइंट का मूव दे दे, निफ्टी 600 पॉइंट का मूव दे दे, वो तो अपने आप में एक बड़ा मूव जो है माना ही जाएगा। लेकिन साथ साथ फ्लैट क्लोज हो जाए, यानी कि ऊपर भी जाए नीचे भी जाए और बाजार जो है मात्र 45 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हो जाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। ऐसी कैंडल्स जो हैं जनरली हम बैंक निफ्टी में तो देखते हैं, बट निफ्टी में भी इतनी जबरदस्त कैंडल, भाई जो कैंडल फ्राइडे की थी उस फ्राइडे की कैंडल का टॉप खा गया, जो फ्राइडे की कैंडल का लो था उसको भी खा गया, कल परसों की दोनों कैंडल्स का लो हाई सब खा गया, यानी कि पिछले 3 दिन के हाई भी तोड़ दिए लो भी तोड़ दिए। जो लो हाई थ्योरी को फॉलो करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं कहाँ पर, हाई पर जिनके मंदी करने वाले हैं, जो तेजी करने वाले उनके लो पर, सबके भाई एल्गो के चीथड़े उड़ा दिए आज। मतलब जो भी एल्गोरिथम्स हैं यानी कि जो एल्गो ट्रेडर्स हैं उनके भाई एक समय तो स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, यानी कि टारगेट कम अचीव हो रहे थे, स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर हो रहे थे। तो आज बाजार ने किसी को नहीं छोड़ा, बस आज मौज थी ऑप्शंस बायर की। ऑप्शन सेलर्स भी वो भी अच्छा कमा रहे थे जो डायरेक्शन खेल रहे थे, चाहे वो तेजी खेल रहे थे चाहे मंदी खेल रहे थे। और मुझे याद है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई आप एक ही डायरेक्शन खेलते रहो जिंदगी भर, आपने पैसा कमा लोगे अंत में। और रीज़न ये है क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन खेल रहे हो तो आपको वो पैसे दे के जाएगी, लेकिन जो दोनों साइड डायरेक्शन खेल रहे होते हैं जनरली ऑप्शन सेलर्स, दोनों साइड की कॉल पुट वगैरह जो बेच के चलते हैं, उनके लिए आज थोड़ा सा चैलेंजिंग था। क्योंकि अगर एक साइड उन्होंने कॉल बेच रखी है और एक साइड पुट बेच रखी है, तो एक बार एक साइड से प्रॉफिट आ रहा था, दूसरी साइड से, और सबसे बेसब्री से जिनको इंतजार था आज का, मतलब बजट का ना, सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ऑप्शन सेलर्स। उन ऑप्शन सेलर्स को क्या इंतजार था वो मैं बताता हूँ कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम इतने हैं, ऑप्शंस बेचेंगे दोनों साइड से, कॉल भी बेचेंगे पुट भी बेचेंगे, और भाई बजट खत्म, और बजट खत्म होने के बाद 1-1.5 घंटे बाद बजट हो जाएगा ठंडा, सारे ऑप्शंस के प्रीमियम हमारी जेब में और भाई माला माल हो जाएंगे। लेकिन बाजार ने आज उन सबकी उम्मीदों पर जिन्होंने इंट्राडे पोजीशंस बनाई थी कि भाई कॉल भी बेचेंगे पुट भी बेचेंगे और शाम को ऑप्शंस के प्रीमियम डिले हो जाएंगे डिके हो जाएंगे और भाई हम मलाई खाके और जो है सेहत बनाएंगे, लेकिन भाई साहब आज बाजार ने ना ये जो जिस तरीके के जो ऑप्शन सेलर थे जो इंट्राडे में सेटल हो गए, भाई आज उनको मलाई नहीं खिलाई है, आज उनको मलाई दिखाकर उनका खून चूस लिया है। और खून भी ऐसे है कि इंसानों के अंदर जो है पशुओं वाला इंजेक्शन लगा के, यानी कि बड़े वाला इंजेक्शन लगाकर भाई ऑप्शन सेलर्स के, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जो इंट्राडे जो सेटल करके गए उनके लिए, उनके भाई साहब खून निचोड़ लिया है। और खून ऐसे निचोड़ा, मैं बता रहा हूँ ना, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो, उनके पास अगर कभी आप अपने जो है गाय भैंसों को लेके गए हो तो उनका जो इंजेक्शन होता है ना बड़े वाला, तो मतलब इंसानों के अंदर से भी, ट्रेडर्स के अंदर से भी, या जो ऑप्शन सेलर्स के अंदर से भाई साहब जो बाजार ने खून निकाला है ना वो बड़ा इंजेक्शन लगा के निचोड़ा है। और सीधी सी बात यह है कि जिन्होंने भी मतलब डायरेक्शन के लिए होगी, तेजी के लिए होगी पैसे कमाए, मंदी के लिए पैसे कमाए, अच्छा जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग की दोनों साइड की, बाई कॉल ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस कटे, पुट ऑप्शन में भी स्टॉप लॉस कटे, और शाम को इंतजार था जिन्होंने सौदे नहीं भी काटे होंगे, भाई मैं तो कॉल भी बेचूंगा पुट भी बेचूंगा, दोनों बेची और शाम तक भाई सब वो ये इंतजार करते रहे भाई ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाए, ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाए, और ऑप्शन का प्रीमियम नहीं गिरा। और जिनके पास MIS के सौदे थे यानी कि इंट्राडे सौदे थे, भाई शाम को अपने भैया लॉस बुक बुक करा के घर पर आ गए। तो सिंपल सी बात यह है
कि कभी कभी भाई ऑप्शन बायर का भी दिन होता है, तो आज का दिन था ऑप्शन बायर का और निफ्टी ने जैसे चीथड़े उड़ाए वो आपके सामने है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी और इन्फोसिस ये संभालते रहे और आज अदानी एंटरप्राइजेस का दिन था गिरने का और ये बेसब्री से इंतजार था सभी। मैं तो ये कहूँगा कि रिटेलर्स में 99% जो रिटेलर्स हैं या 99% जो अदानी ग्रुप का शेयर नहीं रखते हैं और जो अदानी ग्रुप के मतलब इन्वेस्टर तो नहीं है लेकिन रोज़ हमारा चैनल सुनते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या कहीं पर भी टीवी चैनल सुनते हैं, 99% ट्रेडर्स, 99% ट्रेडर्स जो अदानी इंटरप्राइजेस के शोल्डर्स नहीं है वो भाई साहब खुशी से पागल हो जाते हैं जब अदानी का शेयर गिरता है। रीज़न ये है क्योंकि जब अदानी का शेयर चला था तो वो बिना सिर पैर के दौड़ा था, कोई वैल्यूशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई शेयर्स लो, कर्जे में डालो, उस कर्जे से फिर कंपनी के शेयर्स में भी पैसा लगाओ, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाओ। तो ये जो ओवर लीवरेज पोजीशंस हैं अदानी इंटरप्राइजेज में वो इसका मुख्य कारण है और मुझे अभी भी, हालांकि देखिए कुछ शेयर्स अच्छी वैल्यूशंस पर आ गए हैं स्पेशली अदानी पोर्ट्स, लेकिन अभी भी भाई अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत महंगे हैं और हो सकता है आपको अभी और पिटाई होती हुई नजर आए। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी, इन शेयर्स के लिए फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं जो आज बजट पेश किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इनको भी रिलीफ मिलेगी, अभी इनके अंदर प्राइस करेक्शन और आएगी। दूसरी बात, इनकी डी री रेटिंग भी होगी, ये बहुत ही हाई पी वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो पेनिट्रेशन की बात है। देखिए अभी ये इंश्योरेंस कंपनी पागल तो बनाएंगी, माल तो इन्होंने बेचना है, अब आपको डरा के बनाएंगे, ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे कि भाई जो है कि जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी भाई कैसा हालत हो जाती है अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया और कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो इतना डराएंगे कि भाई आदमी इंश्योरेंस ले ले, तो वो डराने वाला माहौल, एडवर्टीजमेंट बहुत होंगी। अब देखिएगा इनका एडवर्टीजमेंट बजट बहुत तगड़े इस तरीके से बढ़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो एचडीएफसी के लाइफ हो, चाहे आईसीआई प्रू हो, कोई या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, एसबीआई लाइफ हो, इन सब कंपनीज में एक चीज़ बड़ी खास होने जा रही है, ध्यान रखना। वो क्या होने जा रही है कि भाई अब इनका एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का बजट डबल, ट्रिपल या फोर टाइम्स तक भी हो सकता है और आप देखेंगे कि आपको एडवर्टीजमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऊपर से जो टॉप लाइन है यानी कि जो इनका जो रेवेन्यूज है उसके अंदर भी डेंट पड़ेगा। फिर ये नए नए कमीशन एजेंट्स हायर करेंगे और वहाँ पे बहुत फोकस करेंगे, तो देखिएगा ये एक रीज़न है। और देखिएगा अब मुझे लगता है कि अब सरकार भी ये कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ कि भाई तुम अब लो ना पॉलिसी, तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हें 7 लाख के ऊपर छूट दे ही रहे हैं, तो इंश्योरेंस लेना है तो भैया अपना इंश्योरेंस करा लेना, टर्म प्लान जरूरी है कि फालतू के प्लान खरीदने। तो ये जो है समय आने वाला है और बाजार ने देखिएगा देर नहीं लगाई समझने में, बाजार ने कहा लो भाई, और ये जब 2 साल पहले न्यू टैक्स रिजीम आई थी तब भी ये शेयर गिरे थे, लेकिन जब 4-4, 5-5% गिरे थे, और यही रीज़न है कि आप देखिएगा इन शेयर्स ने पिछले 2 साल के अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के जो भी शेयर्स हैं पिछले 2 साल के अंदर इनसे कोई रिटर्न नहीं आई है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्योंकि जो हाई पी वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स हैं बाजार उनको देर सवेर पनिश तो कर देता है और फिर शेयर होल्डर जो है रोता रहता है। तो अभी मुझे लगता है कि जो जनवरी का महीना है, मतलब ये जो साल है उसमें जनवरी के अंदर हम जब चले और फरवरी में, तो इस जो नंबर्स हैं जो न्यूमरोलॉजी में वो केतु का नंबर आता है, तो मतलब केतु न्याय करने पे लगे हुए हैं, भाई जो भी हाई पी रेशियो वाले शेयर्स हैं भाई सबको मैं नॉर्मल पी पर लाऊंगा, तो चाहे उसके लिए बजट में प्रावधान हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, किसी ना किसी माध्यम से जो है एक जस्टिस होने लग रहा है, जो हाई पी वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स हैं उनको जो है उनकी औकात दिखाई जा रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो रहा हो। बट ये हमने कुछ जो है पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि हाई पी वैल्यूएशंस के जो शेयर्स हैं उनकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई हो रही है। और मैंने कल भी एक शेयर्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत समय से वो है हाई पी वैल्यूएशंस पे चल रहा था, उस शेयर्स का नाम है एस्टेक लाइफ साइंस, एक एग्रोकेमिकल की कंपनी, कल उसके रिजल्ट आए, उसका भी जो है कल ऐसे ही भूत उतार दिया गया, वो मतलब गिरता ही नहीं था और वो भी अपने पिछले 2 साल वाले जो प्राइजेस हैं उन प्राइजेस पर ट्रेड कर रहा था।
उसी तरीके से वो हालांकि एस्टेक लाइफ साइंस कौन सी कंपनी बता दूं, गोदरेज ग्रुप की जो है एक सब्सिडरी कंपनी है वो, तो गोदरेज ग्रुप उसमें इन्वेस्टेड है, तो आप अपडेट ले सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई आज तो दोपहर के बाद बजट आया ना भाई, सब चिल्ला रहे बहुत बढ़िया बजट, बजट 10 में से 10 नंबर। लेकिन भाई दूसरी तरफ नहीं देखा, अदानी की रेल बना रखी थी और अदानी गिरना शुरू हुआ उसके बाद बहुत रिपोर्ट आई कि क्रेडिट स्विस ने भी उनके बॉन्ड को भी जो है जंक घोषित कर दिया है। तो हिंडनबर्ग भी तो यही चाह रहा था, उसने भी तो बॉन्ड मार्केट में शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप कर रखी है। तो यहाँ देखिएगा 1462 आज जो शेयर घटने वाले थे। आईटीसी देखिएगा एक बार गिरा भाई, जो तंबाकू के ऊपर जो है सिगरेट के ऊपर जो तंबाकू है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ी, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ड्यूटी की क्लैरिफिकेशन तो नहीं आई है। लेकिन जो लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आईटीसी पे इंपैक्ट नहीं होगा। तो आईटीसी चलता हुआ नजर आया, टाटा स्टील, आईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू, एचडीएफसी बैंक, और देखिएगा आज तो बाजार संभाल रखा था एचडीएफसी बैंक ने और आईसीआईसी बैंक ने, और उसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड ने। हालांकि अब एचडीएफसी लिमिटेड पर भी आपको एक इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड की भी इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी सिक्योरिटीज में होल्डिंग है। तो अल्टीमेटली जो एंटरप्राइज वैल्यू है एचडीएफसी लिमिटेड की, उस पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है आगे चल के, तो देखना पड़ेगा। और अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई जो है ये कमजोर होते हुए नजर आए। देखिए कि मेरी बातें हैं वो तो समय बाद हो सकता है कि वो सच हो, मैं अभी तो नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में से इन दोनों में से एक कंपनी आपको 1 साल बाद इंडेक्स से बाहर होती हुई नजर आएगी, और रीजन ये है, मुझे लगता है कि कंपनी अंडर परफॉर्म करेंगी। निफ्टी बैंक 40,513 और वोलेटिलिटी रही, ओ क्या कैंडल है भाई, इसने भी पूरे 3 दिन के हाई लो सब उखाड़ फेंके। और हालांकि इस दिन के रह गए थे बैंक निफ्टी में जो सोमवार के थे, लेकिन एक बहुत बढ़िया वोलेटाइल सेशन। तो अब बाजार जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक के ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हमारा फेवरेट जो है कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी अपने आप को संभालता हुआ, और हालांकि देखिएगा इन बिजनेसेस में भी इम्पैक्ट आएगा, हालांकि अभी नहीं आएगा अभी क्योंकि इनके रिजल्ट अच्छे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक का डायरेक्टली इंश्योरेंस में कोई बिजनेस नहीं है, आईसीआईसी बैंक की जो है इन्वेस्टमेंट जो है आईसीआईसी प्रू के अंदर है, तो इंश्योरेंस में इनडायरेक्टली ये भी कोरिलेट करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की तो सब्सिडरी कंपनीज ही जो है कोटक लाइफ है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो है। एसबीआई की भी एक अच्छी मेजर होल्डिंग एसबीआई लाइफ के अंदर है, तो हालांकि एसबीआई तो आज देखिए दूसरे कारणों से टूटा है, अदानी ग्रुप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी उसकी वजह से भी आप एक समझ सकते हैं कि सेंटिमेंटल जो है ब्रेकडाउन है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और पीएनबी और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। तो आज वॉल्यूम कहाँ था, आईसीआईसी बैंक में वॉल्यूम भाई 4 गुना था, एचडीएफसी बैंक में 1.5 गुना था, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 1.25 से 1.5 गुना था, एसबीआई का ओ एसबीआई में भी 3.5 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हो रहा था, ये तो पक्का था, बजट वाला दिन था। एफआईआईज ने आज आपको देखिए सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्या बाइंग की है इन्होंने, 1785 करोड़ की बाइंग की है लगातार सेलिंग के बाद, और 539 करोड़ की डीआईआईज ने भी बाइंग की है। लेकिन बाजार को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, तो एक एचएनआई इन्वेस्टर है हमारा, उसने आज गेम खेला है। अभी एफआईआईज के और इनके सॉरी डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और डेटा किसके उपलब्ध नहीं है, ऑप्शंस के भी और फ्यूचर्स के भी इंडेक्स के अंदर, और इसी तरीके से स्टॉक्स के भी कल के डेटा हैं। और कल के डेटा में था 1615 करोड़ की इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे थे और 3968 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बेची थी। मुझे आज लग रहा है कि इंडेक्स जो इन्होंने बहुत दिनों से खरीद रहे थे, आज इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एक अच्छी बड़ी सेलिंग जो है हमें शायद देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी डेटा नहीं है, कल बात करेंगे। पुट कॉल रेशियो वाले देखिएगा बैकफुट पर आ गए, और पुट जो है राइटर्स अब देखिएगा आज और डर गए, जिन्होंने लिख भी रखी थी सुबह एग्रेशन में, जो भाई साहब क्या पुट कॉल रेशियो में चली गई थी 0.9 के आसपास, क्योंकि बाजार इतना तेज था, सब ने पुट लिख मारी और सबको भाई अब फंसा दिया बाजार ने शाम होते होते। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सब अनवाइंड हो गई शाम तक, और डाउ जोन्स भी 1% टूट गया आज। यहाँ पे फेडरल रिजर्व यानी कि एफओएमसी की मीटिंग का शायद आउटकम आए रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो बाजार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 पे है। ऑप्शन चेन में आज देखिए कॉलराइटर कहीं पर एग्रेसिव हैं, तो वो 17800 पर हुए और 17800 के बाद 18000 रुपये, लेकिन पुट राइटर्स देखिएगा सब अनवाइंड करते हुए नजर आए पोजिशंस, तो पुट राइटर अनवाइंड कर रहे हैं। हालांकि अभी भी डेटा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज फिर भी एक डेटा बन गया कल के लिए, और 18000 एक मेजर हर्डल जो है हमें लग रही है कि अब एक मेजर हर्डल का काम करेगी। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो है कॉल भी अनवाइंड हुई है,
पुट भी अनवाइंड हुई है, तो पोजीशन सबने कम कर लिए भाई, थोड़ा सा सिमटा के जाओ। तो आज सिमटा के जाने के चक्कर में मैंने आपको कहा कि जो ऑप्शंस के बायर सेलर्स हैं वो किस तरीके से ट्रैप हुए। इसके अलावा आज बजट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जब बात बोली, तो देखिएगा मैडम ने जो है आज जो है सबको गच्चा दे दिया। गच्चा देने का मतलब समझ रहे हो, सबको चकमा दे दिया। और वो चकमा कैसे दिया, जब उन्होंने बोला ना पहले कि विद रिबेट 7 लाख से तक की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भाई सब लोग खुशी से पागल हो गए। सब लोगों को लगा कि मैक्सिमम एग्जिम्पशन लिमिट 7 लाख हो रही है, भाई मैक्सिमम एग्जिम्पशन लिमिट तो 3 लाख ही है, बाकी अभी 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपको रिबेट मिल रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार एग्जिम्पशन लिमिट ऊपर की तरफ बढ़ा दी जाती तो फिर उसको घटाया नहीं जाता है जनरली हमारे यहाँ पे जिस तरीके का सिद्धांत है। लेकिन रिबेट तो क्या है कि कभी भी आप हटा सकते हो किसी भी बजट में, आप अगले में या उससे अगले में आप कह देंगे जी हमने रिबेट हटा ली, तो फिर वो 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर भी टैक्स आ सकता है। तो रीज़न ये है, तो थोड़ी टेक्निकलिटी होती है। तो लेकिन जब बजट साहिबा सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जब बोला तो भाई पूरा संसद जो है मतलब तालियों की, आप ये कह सकते हैं कि तालियों की बारिश हो रही थी। यानी कि भाई ऐसा लग रहा था कि क्या बात बोल दी है, और सब लोग बड़े खुश थे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग ग्रुप में या जो इंडिविजुअल्स ऑफिस में या अपने कैबिन में इकट्ठे जो है लोग टीवी देख रहे हो, उन्होंने भी तालियों से जबरदस्त स्वागत किया होगा। और फिर मैडम रुकी थोड़ी देर के लिए, अरे अच्छा, और फिर मैडम ने बोलना शुरू किया भाई 3 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगी, 3 लाख के बाद ये रेट। फिर लोगों को समझ में आया अच्छा भाई ये तो रिबेट दे रही है। अरे मैडम ने बोला भी रिबेट ही था पहले, पर हम लोग हैं क्या कि ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तो जो लोग लो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो समझ गए थे कि भाई ये टेक्निकलिटी है, ये रिबेट बोल रही है मैडम। और सब लोगों ने क्या समझा, भाई ये तो 7 लाख तक बिल्कुल कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है। और जब लोगों को समझ में आया तो भाई बाजार के अंदर अदानी ग्रुप का जो है बोलबाला था। और फिर सबसे खास बात यह कि भाई सुबह मंदी वालों को काटा, बाद में तेजी वालों को काटा, और बाजार ने दोनों को काट के और भाई साहब जो है हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज ऑप्शन सेलर को जो है मतलब जिनकी क्लोजिंग हो गई पोजीशन उसका तो गेम खत्म कर दिया। और सबसे खास बात है कि यार लास्ट में ऑप्शन के प्रीमियम भी नहीं टूटे। तो हमने किस तरीके से मैनेज किया, देखिएगा हमारी जो पोजीशंस थी हमने थोड़ी सी इधर उधर शिफ्ट की थी, बट हम क्या करते हैं कि जब ऐसा सिनेरियो होता है तो नियर की जो ऑप्शंस है उसमें ट्रेड नहीं करते। हम मार्च एंड की ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे तो ज़्यादा हमारे को फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि प्रीमियम डीके नहीं मिला, और क्योंकि हमारी दोनों साइड पोजीशंस थी, कुछ प्रॉफिट भी बुक किए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जो एम टू एम की बात करें तो लगभग फ्लैट की तरफ है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर और हो सकता है कल ही एक प्रीमियम डीके मिले। और उस प्रीमियम डीके में क्योंकि जब एक वीक की समाप्ति होती है और वोलेटिलिटी अगर थोड़ी सी भी कल छटती हुई नजर आएगी तो आपको एम टू एम जो है यानी कि बाजार यहीं भी खड़ा रहे कहीं पर भी रहे, तो क्योंकि पोजिशन हमने ऐसे तरीके से हेज कर रखी है कि वो एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो शायद कल हमें नसीब हो, और इस बात की हम काफ़ी उम्मीद करते हैं। और जो ट्रेड्स हैं वो तो देखिएगा हमने दोनों साइड लिए थे, पोजीशंस को हेज करते रहे जहां बाजार जाता रहा, लेकिन फिर भी उस हेजिंग के अंदर भी और जो ब्रोकरेजेज हैं या जो बाकी चार्जेज हैं वो तो लगे, लेकिन कुल मिलाकर बढ़िया दिन रहा। और जो पीछे 2-3 दिन जो है सुपर डुपर प्रॉफिट्स आए थे, वैसे प्रॉफिट तो नहीं थे, जैसे फ्राइडे या वेडनेसडे के सेशन में मैंने आपके साथ चर्चा की थी, मंडे को भी अच्छा था, लेकिन कुल मिलाकर फिर भी बहुत बढ़िया रहा। और सबसे खास बात यह है कि लोग गोवा जाते हैं कैसीनो खेलने के लिए, पैसा खर्च करते हैं, और आप जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं उनको आज पूरे कैसीनो के मज़े जो हैं बाजार ने दे दिए। तो कैसीनो के मज़े आज बाजार ने पूरे दिए, और आपको गोवा जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके घर पे आपके मोबाइल में जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं बायर्स हैं उन सब को भाई ये वोलेटिलिटी दी। और मुझे लगता है कि अपने पैसों के साथ जो है जो कैसीनो खेलने जाते हैं और तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आज आपको कैसीनो के मजे आपके घर में ही मिल गए, जो ऑप्शन सेलर्स हैं या बायर्स हैं सबको। और क्या वोलेटिलिटी रही भाई, क्या बाजार इधर और कभी उधर, मतलब कुछ नहीं, कभी भी किधर भी दौड़ने के लिए बाजार तैयार था। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जिनके पैसे गए उन्होंने भी एंजॉय किया, अगर जो ऑप्शन बायर है वो आज तो खुशी से पागल होंगे क्योंकि भाई बहुत पैसे बने होंगे आज। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने जो
वीकली ऑप्शंस में प्ले किया होगा, यानी कि इस हफ्ते में, यानी कि 2 तारीख में, 9 तारीख में, और वो बहुत बड़ी टेंशन में आ गए होंगे। और 2 तारीख वाले को तो शायद एक दिक्कत और भी है कि उन्होंने पोजिशंस इसलिए भी काट ली होंगी यार, पता नहीं कल सुबह क्या हो जाए। तो जो 2 तारीख की सौदे हैं, यानी कि कल के जो सौदे हैं एक्सपायरी के, वो और टेंशन में। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी ये बातें लॉजिकल लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, और आपको लग रहा है यार ये तो बिल्कुल सच में हमारे साथ हुआ था, और बिल्कुल सच में ऐसा हुआ, और यहाँ से ज्ञान मिल रहा है, और रोचक लग रही है, जानकारी मिल रही है, ट्रेड कैसे करने हैं, उन सब के बारे में जो जो आपको आपके विचार है ना, वो कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। और कुल मिला के आज के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।